15,000 तो इसमें खर्च कर दिए, प्लस वेट्स भी आए थे लगभग 3,500 रुपये के, प्लस वो मैट भी 1,000 रुपये की आई है। यहाँ से आपको ये रेलवे लाइन दिख रही है, बेसिकली इट्स नॉट अ मेट्रो। जब ट्रेन दूर होती है ना तब से आवाज़ आनी चालू हो जाती है, मस्त लगती है गाइस। अभी शायद धूप की वजह से इतनी अच्छे से विजिबिलिटी नहीं होगी उस ट्रेन की, बट या इट लुक्स कूल। सो हे गाइस, दिस इज़ अ न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली इस चैनल पे मैं मोटो व्लॉग्स डालता हूँ, और ये चैनल मैंने क्रिएट किया था लगभग नवंबर में। तो मैंने एक बाइक खरीदी थी, अपाची 164V RTR, नवंबर में ही खरीदी थी, पिछले दिवाली पे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको। तो बेसिकली ये चैनल मैंने इसलिए ही क्रिएट किया था कि ठीक है भाई मोटो ब्लॉग करेंगे, ये वो। बेसिकली जो चीज़ हम सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं है कि 100% हो जाएगा। जॉब करता हूँ मैं, डेस्क जॉब है मेरी एंड 10 घंटे की जॉब है, द मेन पार्ट इज दिस, 10 घंटे की जॉब है, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता। और एक रीज़न हो रहा है जिसकी वजह से मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, एंड द रीज़न इज़ वेरी सिली, काफ़ी बेकार सा रीज़न देने वाला हूँ मैं आपको। तो ये मेरा हेलमेट है, मैंने इसका भी शायद रिव्यू डाला था चैनल पे, यू कैन चेक इट आउट। तो इसमें ना एक कमी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लॉकिंग सिस्टम, भाई इसका लॉकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है, तो आपको ऐसे नीचे लेके जाना होता है, वाइजर ऑटोमेटिक लॉक होता है, और यहाँ से प्रेस करके ये ऊपर आ जाता है अपने आप। तो ये लॉकिंग मैकेनिज्म वाले हेलमेट अवॉइड ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये फैंसी लगते हैं बट नॉट कन्वीनियंट। यहाँ पे ना एक वेंट था, उस वेंट की वजह से मेरा माउंट नहीं लग पा रहा था, और जब मैं माउंट लगाता भी था जुगाड़बाजी करके उसके ऊपर ऐसे, तो ये वाइज़र बंद नहीं होता था। तो या तो व्लॉग कर लो या तो वाइज़र बंद करके बाइक चला लो, एंड आपको तो पता है जब तक वाइज़र बंद नहीं होगा हेलमेट का तब तक बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता। तो मेरे को वाइज़र भी बंद करना था और इस माउंट की वजह से वो लग भी नहीं रहा था वाइज़र, तो इस वजह से मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया भाई। सो दिस इज़ द वेंट का पंप, ये यहाँ पे लगा हुआ था और इसके ऊपर मैं ये माउंट लगाता था, काम चलाऊ चलता था, ठीक है, वीडियोस रिकॉर्ड होती थी और मैंने डाली भी अपने चैनल पे, बट द थिंग इज़ बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, तो इसलिए मैंने इसको हटा ही दिया कि भाई ठीक है अब ये परमानेंट माउंट ऐसा लगा ही रहेगा, अब मैं इसको कभी नहीं हटाने वाला, क्योंकि अगर मैंने इसको हटा दिया तो इसका काफ़ी बद्दा सा लगेगा ये। ऑल दो इसको लगाना काफ़ी आसान है, इसको निकालना भी काफ़ी आसान है, बट ठीक है अब जैसा। एंड मैंने इसकी रबर भी काट दी, क्योंकि जब वाइज़र लगता है तो रबर उस चीज़ को रोकती है, तो मैंने रबर भी काट दी भाई, ठीक है जड़ से ही ख़त्म करो। जब मैंने हेलमेट लिया था तो ट्रांसपेरेंट वाइज़र था, और बाइकर मैं अभी बनाऊँ अभी अभी शौक चढ़ा है मेरे को बाइक्स वगैरह चलाने का, तो उसमें ना मेरे को पता नहीं है कि इक्विपमेंट्स की केयर एक्चुअली में कैसे की जाती है, तो जो मेरा वाइज़र था। तो अब आते हैं मेन बात पे कि मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक वीडियो स्पेशल चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ माय जिम इक्विपमेंट्स। एक दो हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने अपने डंबल्स वगैरह अनबॉक्स किए थे, एंड मैं एक्सरसाइज करना चालू कर दिया है मैंने अब, क्योंकि जिम का सामान मेरे घर में ही है तो मैं डेली एक्सरसाइज कर सकता हूँ विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, अब मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकता। तो या दीज आर दी इक्विपमेंट्स जो मैं लेके आया था, एंड अभी मेन चीज़ आनी बाकी है जो कि आज आएगी और उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो एक मशीन है जो मेरे को थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी है, एंड उस मशीन का नाम है 20-in-1। तो अमेजोन पे मैंने देखा प्रोडक्ट, उसके रिव्यूज़ अच्छे थे, और सबसे अच्छी बात उसका जो सप्लायर था वो अपने गाज़ियाबाद का ही है। तो मैं उसकी शॉप पे गया, मैंने कहा कि भाई देख क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसने दिखाया भी मशीन मेरे को कि देख भाई मशीन तो वैसे ऑर्डर पे बनता है बट जो क्वालिटी रहेगा वो ऐसा रहेगा। मैंने देखा ठीक है भाई मशीन की क्वालिटी अच्छा है, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया। डाइटिंग वाइटिंग भी शुरू कर दिया तुम्हारे भाई ने तो ठीक है गाइस, अब इससे अगली नेक्स्ट अपडेट दूंगा मैं जब जिम का सामान आ जाएगा। मोटो व्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे, और जो बहाना था मोटो व्लॉग्स ना करने का वो मैंने फिक्स कर दिया है, अब तो मोटो व्लॉग्स आएंगे ही आएंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि ये जिम सेटअप करने के पीछे मेरा यही एक मकसद है कि जिम जाने का टाइम बच जाएगा, मैं अपनी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर पाऊँगा, एंड फैमिली मेम्बर्स भी एक्सरसाइज कर लेंगे इस बहाने। एंड द मेन मोटिव इज़ भाई मेरे को अपना वेट कम करना है, स्पेशली द एब्डोमेन रीजन, मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है एंड आई हैव टू रिड्यूस इट। तो या
दिस इज़ गोना बी माई पर्सनल जिम, और इसका किराया जाएगा गाइज, ये मेरा घर है और मेरे को अपने घर में अपनी मम्मी को इस रूम का रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि इस रूम से जो रेंट आता था, मम्मी कह रही चल ठीक है यार तू उसका आधा दे, पर दे, तो लगभग 3,000 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे इसके मम्मी को। ठीक है यार कोई बात नहीं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात हमने मशीन सेटअप करवा ली थी, कल रात क्या शाम के टाइम ही करा ली थी, एंड उसके बाद हम पूजा वगैरह में व्यस्त हो गए थे बिकॉज़ कल का नवरात्रि का पहला दिन था और मेरा व्रत भी था। एंड अभी मैंने जस्ट साफ़ सफाई की है सुबह उठ के, और थोड़ी सी और रह रही है। एंड गुड मॉर्निंग गाइज, बढ़िया मस्त सुबह सुबह की धूप अच्छी लगती है, एंड दैट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। पहले मैं सोचा था कि अपनी मशीन यहाँ पे बाहर रख लेते हैं, बट फिर पापा ने मना कर दिया कि नहीं यार तू बाहर रखेगा मशीन, बारिश वगैरह आएगी वो ख़राब हो जाएगी, जंग वगैरह लग जाएगा, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब अंदर ही रहने देते हैं। मेरे घर में पेंट का काम भी होने वाला है, ये सब देखो या टाइल वगैरह जस्ट अभी लग के फिनिश हुई है, एंड टाइल की सफाई भी होनी है, उसके लिए फिर से मिस्त्री आएंगे, फिर से गंदगी फैलाएंगे मेरे घर में, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट ठीक है सफाई तो होनी है। उसके बाद फिर पेंट का काम चालू होगा, फिर उसके बाद फर्नीचर का काम चालू होगा, बहुत टाइम है भाई। ये रही मेरी मशीन, और मम्मी ने यहाँ पे पूजा भी कर दी है सुबह सुबह आके। इंडियन रिचुअल्स गाइस, कुछ भी आ रहा है घर में नया पूजा तो बनती है। सो ये रही मेरी मशीन, यहाँ पे मैं रख दूँगा जो भी मेरा डंबल्स वगैरह आएंगे नीचे से, तो अभी फ़िलहाल डंबल्स लेके आते हैं ऊपर। सो गाइज दिस इज़ माई कम्प्लीट सेटअप, मेरा जिम सेटअप। मैंने रोड यहाँ पे रख दी है, रोड अभी पतले वाली है जो बेंच प्रेस के लिए होती है, वो वाली रोड नहीं है। आई एम प्लानिंग टू बाई इट सून, बट अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। वहाँ पे मेरे दो डंबल्स और कुछ वेट्स रखे हैं, ये मेरी मैट जहाँ पे मैं अब डंबल्स एक्सरसाइज करूँगा जिससे कि फर्श ना टूट जाए। उधर कुछ लैट पुल डाउन का हैंडल वगैरह रखा है और ट्राइसेप्स के लिए हैंडल रखे हैं। एंड मैंने बेड्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसे कर दिया है जिससे मेरे को यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल चुका है, तो यहाँ मेरा भाई और मैं इसको यूज़ कर सकते हैं, एक पे मेरा भाई एक पे मैं सो जाऊँगा। एंड वहाँ पे कुछ अलमारी हैं, आई डोंट थिंक सो इनका कुछ यूज़ होगा अभी फ़िलहाल में, बट ठीक है बाद में जब इन पे पूरा अलमीरा चढ़ जाएगा लकड़ी का बाहर से तब ये यूज़ेबल हो पाएंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे ही पड़े हैं। सो या फॉर नाउ दिस इज़ माई सेटअप, और ये रहा बाहर बालकनी का लुक। बेसिकली देखा जाए आई हैव अ ग्रेट बालकनी, यहाँ से मस्त धूप सेक सकते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में तो भाई पूछो मत बहुत गंदा हाल हो जाएगा इधर, इसलिए इस गर्मी में मैं एसी लगाने का सोच रहा हूँ, और एसी मैं उस ऊपर वाली विंडो पे लगाऊंगा, विंडो एसी खरीदने का सोच रहा हूँ। आई थिंक मैं ले पाऊँ इस बार बिकॉज़ मैंने काफ़ी खर्चा कर दिया है, 15,000 तो इसमें ही खर्च कर दिए, प्लस वेट्स भी आए थे लगभग 3,500 रुपये के, प्लस वो मैट भी 1,000 रुपये की आई है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो चुका है। और एसी आता है लगभग 30,000 रुपीज़ का, एक अच्छा एसी विंडोज़ वाला, तो यार उसमें भी अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लग तो रहा है ले लूँगा एसी, बट ठीक है अगर एसी लिया तो मैं पूरे तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि फिर मैं गर्मियों में भी इस तपती धूप में इस कमरे में सर्वाइव कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा भाई, अगर एसी नहीं आया तो आई वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस रूम। तो या एसी इज़ मस्ट, एसी चाहिए भाई। सो यहाँ से आपको ये रेलवे लाइन दिख रही है, बेसिकली इट्स नॉट अ मेट्रो, इट्स RRTS ऑल्सो नोन एज रैपिड रेल, तो यहाँ से रैपिड रेल निकलती है। यार आई होप कोई निकले इधर, कैमरा चालू है तो मैं दिखा दूँ आपको, बहुत प्यारी लगती है यहाँ से निकलती हुई, और रात में तो भाई पूछो मत, जब रात में यहाँ से ट्रेन निकलती है मस्त एस्थेटिक वाली फील आती है, बट अभी फ़िलहाल कोई ट्रेन नहीं निकल रही है इधर से। जब ट्रेन दूर होती है ना तब से आवाज़ आनी चालू हो जाती है, तो अभी मेरे को लगता नहीं कोई ट्रेन यहाँ से निकलेगी, आई एम स्टिल वेटिंग। आ गई, ये मस्त लगती है गाइस। अभी शायद धूप की वजह से इतनी अच्छे से विजिबिलिटी नहीं होगी उस ट्रेन की, बट या इट लुक्स कूल। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड अभी बस मैं अपने
सिस्टर के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा, बिकॉज़ मेरी बहन भी एक्सरसाइज लगाती है, वो भी जिम करती थी एंड शी इज़ एन एथलीट, वो वेट लिफ्टिंग वगैरह करती थी पहले बट अब नहीं करती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो एंड अभी मैं एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी देर बाद। तो या मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।